भलाई या बताने में ही तुम्हारी भलाई है। गांव तो बचेगा नहीं, कम से कम खुद की जान बचा लो, बाहर निकलो। तुम्हारा यमराज आ रहा है राजा भारत से। सुनिए रमना राव जी, मुझे इस मिट्टी का सौदा करना पसंद है, बेकार में चूमने का शौक नहीं। इस जमीन से मुझे करोड़ों का मुनाफा है। अपनी मर्जी से माइनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में पैसे फेंक के आया हूँ, तो तुम लोग फिजूल में क्यों फिर टांग अड़ा रहे? ये जमीन हमारे पुरखों की देन है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे हम लोग? पिछले सिर्फ 60 सालों से यहाँ बसकर इसे पुरखों की देन कह रहे हो? तुम्हारे पहले कई सैकड़ों सालों तक ये जमीन हमारे राजघराने के अधीन थी, उसे हम क्या बोले? फायदे के लिए इन बेचारों को मारकर इनकी जमीन छीन लेना अन्याय नहीं है? तुम्हें ऊपर से सिर्फ जमीन नजर आ रही है, मुझे इसके अंदर होने वाला व्यापार दिखाई दे रहा है। हमारी जमीन पर माइनिंग करने का तेरा ये सपना मेरे जीते जी पूरा नहीं होगा भैरव सिंह, तो तुझे ही खत्म कर देता। तू इन लोगों को इंसाफ दिलाएगी? ये बरसों से मेरे गुलाम है, और इन दस्तावेजों के सहारे तू इन्हें आजाद कराना चाहती है? आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, और तू भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जानते नहीं मुझे भैरव सिंह धन्नो? इन कागजों की तरह इनकी जिंदगी के भी चीतरे चीतरे हो जाने चाहिए। जहाँ मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत किसमें है? क्या कोई है? तूने सच में उसे ही देखा? ये गब्बर सिंह, गब्बर सिंह कौन है रे? उसका नाम सुनते ही तुम लोग थर थर कांपने लग गए हो? आने दो ससुरे को, हम हैं यहाँ के शेर। गलत सोच है तुम्हारी, कोबरा गैंग से सबको डर लगता था। पहली बार गब्बर सिंह के वार को पहचाना, उस दिन उसको देखकर जो हमने भागना शुरू किया, तो आज तक भाग ही रहे हैं। अब हम तुझे बताएंगे कि डर क्या होता है। अरे ओ नौटंकी साले, तू हमसे डर की बात कर रहा है बे? हम डर का डेफिनेशन है बे बुड़बक। काट दो उसको। We'll be right back.
किया था ना। गलत फहमी का शिकार है। हर हिसाब का एक मतलब होता है और हर एनकाउंटर का एक टाइम होता है। इतनी मिस्टेक की है कि माफ नहीं कर सकता, लेकिन जो सबको ठोकेगा उसे बख्श दूंगा। अब वो कौन होगा तुम लोग डिसाइड करो, क्या बोलते हो? वो एक मैं हूं, प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो बस। मेरी डिक्शनरी में अरेस्ट नाम का शब्द है नहीं। हाँ, एनकाउंटर जरूर है। ए पुलिस, ये तेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। वैसे तेरा नाम क्या है? गब्बर सिंह। नाम है गब्बर सिंह, कोई शक है? जो डर गया, डर गया, समझो मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। Ladies and gentlemen, he's back once again, this time as Sardar. Sardar, Sardar, Sardar. So all the bad guys, Khabardar. Sardar. गुरु हलचल शुरू, आया है शेर सर पे है जुनू। लड़ियो न तू, अड़ियो न तू, जिद्दी है ये और मैं क्या कहूँ। ये तो देता ऑर्डर है, तोड़े इसने तो बॉर्डर है। अपने असूल अपने, ये है बादशाह। गब्बर सिंह, गब्बर सिंह सरदार, गब्बर सिंह, गब्बर सिंह, गब्बर सिंह he's back to do something। गब्बर सिंह, गब्बर सिंह सरदार, गब्बर सिंह, गब्बर सिंह, गब्बर सिंह he's back to do something। क्या उछल कूद लगा रखी है सर? सब रहने दो, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। और मैंने क्या सुना है, गवर्नमेंट गोल्ड मेडल देना चाहती है और तुम उनसे गन की मांग कर रहे हो? तुम क्या पागल हो? नहीं सर, आप जैसे बुजुर्गों को मेडल्स दे तो दिखाने में अच्छा लगता है ना। मेरे जैसे वीर को तो सिर्फ गन ही शोभा देती है। अबे समझाना पप्पू। अच्छा सटार था, मेरा नहीं तो किसका मजाक उड़ाओगे? ये लो, तुम्हें CI प्रमोट करके रतनपुर ट्रांसफर किया है, जाओ वहाँ। गुरुजी लाइफ में तो सेटल होने नहीं दे रहे हो, सिटी में तो सेटल होने दो। सेटल तो हो गए हो। सेटल होना मतलब सैलरी थोड़ी है, सुख दुख बांटने वाली चाहिए। सुबह शाम सिर्फ राउडीज की शक्लें नहीं देखनी है मुझे, लाइफ में लेडीज भी तो होनी चाहिए। क्या बात है। ये इच्छा रतनपुर में शायद पूरी हो जाए, वहाँ देख लेना। वहाँ मेरा एक फ्रेंड है, उनको डॉटर है, उनको प्रॉब्लम है। चुप कर। उनके वहाँ दमदार CI चाहिए, तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। अपने साथ इस पूछ को भी लेकर जाओ। मैं क्यों सर, मैं इनकी तरफ फ्री नहीं हूँ। बड़ा तीरंदाज है, दोनों को SI ट्रेनिंग के लिए भेजा, तू कांस्टेबल बनकर लौटा। निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगा। जाना होगा। नहीं जाऊंगा। जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा। सर इसे बंगला कहते हैं, आप यहीं रहेंगे सर। अरे ओ सांबा, गुरुजी प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। ये तो जन्नत है। ओहो, रहने के लिए बंगला, घूमने के लिए कार, चढ़ने के लिए घोड़ा। जल्दी से कोई रिश्ता भी देख लो, यहीं पर सेटल हो जाता हूँ। मास्टर कौन है? ये कार घोड़े तुम देखोगे, इस्तेमाल हम करेंगे। ये बंगला भी परमानेंट एड्रेस नहीं है, रिफ्यूजी की तरह रहोगे, अंडरस्टैंड? ये शेर जी हैं। सिर्फ शेर मत बोलो, घोटाला शेर सिंह चौहान, राजपूत। राजपूत हो? हाँ। दिखने में तो वैसे नहीं लगते है। पर्सनैलिटी दिखाओ, मैं कोई दूध देने वाला पशु नहीं हूँ, पालने वाला प्रभु। इस राजघराने के सेनापति के इकलौते भतीजे हैं सर। अच्छा। हाँ सर। मेरा वेलकम करने आए हैं। वार्निंग देने के लिए आया हूँ मिस्टर। जो देंगे वो खाना होगा, जो बोलेंगे वो सुनना होगा। परेशान हो तो हमें परेशान मत करना, नुकसान करोगे तो पड़ जाएगा भरना। उस तरफ जाओगे तो बंगला आएगा, वहाँ तुम्हें नहीं जाना है। उधर आनंद महल आएगा, वहाँ जाकर आनंद नहीं लेना है। टेक केयर ऑल ऑफ यू। हो गया। या ये राजपूत तो बहुत टेढ़ी खीर लग रहा है। बहुत ज्यादा। ये अंदर से भी काफी अच्छा है, काफी पुरानी जगह है। खाना बहुत अच्छा मेंटेन किया है।
लोग परेशानी बताने थाने आते हैं और यहाँ तो थाना खुद ही एक परेशानी है। हमें बैठने के लिए एक कुर्सी चाहिए और उसे रखने के लिए एक जगह चाहिए। हाँ सर। चलो चलो सर 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 आइए सर आइए सर बैठिए सर। नई कुर्सी है सर, पहली बोहनी आपसे ही है। ऐसा लग रहा है सिंहासन पर बैठा। सर फेशियल करवाएंगे क्या? तू क्या करवाना चाहेगा? फ्री है तो मैं सब करवाऊंगा। कुर्सी ला, आइए सर आइए सर। आइस पैक लेकर आ। यहाँ सब मोबाइल की तरह राइफल लेकर घूम रहे हैं। इनके पास लाइसेंस वाइसेंस है या सब ऐसे ही? यहाँ भैरव जी का नाम ही लाइसेंस है। भैरव 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 बहुत सुन रहा हूँ। बहुत बड़ी तोप है क्या? राजवंशी है जी। इस गाँव के राजा के बाद यहाँ के राजा वही है। ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। अच्छा, चाहे कितने भी मर्डर क्यों न किए हो, उनका कोई बाल भी भागा नहीं कर पाता। और सर उनके चार राइट हैंड्स हैं। एक है अप्पा जी। अप्पा जी मारने की और चोरी करने की प्लानिंग करते हैं। वाओ। और दूसरा जो है धन्नो, वो बस किलिंग ही करते हैं। और तीसरा है पठान। पठान हाँ, वो सिर्फ रॉबिंग ही कराते हैं। ओहो। और जो चौथा है मटका सिंह, वो कैसा है आपको पता है? ये सबका दिल बहलाने के लिए एंटरटेनिंग करते हैं सर। वाओ। डांसर राजा। आपको यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का नामो निशान नहीं मिलेगा सर। आपके लायक तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। अच्छा, जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं तो हम बॉर्डर क्रॉस करके क्यों और क्या हॉलीडे मनाने? चलो थोड़ा गाना बजाना हो जाए। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई। मटका सिंह के बारे में बताया था, ये वही है सर। तुम्हारी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया है, बैठो। बैठने के लिए कह रहे हैं ना, बैठो। थानेदार चल कुछ गा के सुना। वो ड्यूटी करनी है सर, मैं चलता हूं। गाने के लिए कह रहे हैं ना, गा दो। तू कहाँ जा रहा है? गाओगे नहीं तो सीन सीरियस हो जाएगा। ये बात है, गा दो। उससे क्यों शर्मा रहे हो? दिल चीज क्या है? भैरव सिंह का सामना करने वाले एक पुलिस ऑफिसर के लिए रिक्वेस्ट की थी मैंने। आप ऐसे इंसान को भेजेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। शुरुआत में ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आप उसके जलवे देखेंगे। गलती हमारी है, हम उस उम्मीद को जिंदा कर रहे हैं जो बिल्कुल ही नामुमकिन है। पागल गोगल, क्षमा कीजिए, न्याय को तो बचा नहीं सकते, कम से कम अपनी वर्दी की इज्जत को तो बचा लेते। मुझे ये डायलॉग देने के लिए बुलाया था। बंगाल टाइगर, मेरा 13वां शिकार। मेरे पिताजी मेरी आंखों के सामने इसका शिकार कर रहे थे तो ये अपनी जान बचा के भाग रहा था। किसी को मौका दो तो वो संघर्ष जरूर करता है, अगर वो मौका भी हम छीन लें तो कंफर्म शिकार होता है। और मुझे बचपन से शिकार का शौक है। मेरे पिताजी ने कहा है, पैदा हुए हो शिकार करो, साम्राज्य बढ़ाओ, जो पसंद आए वो छीन लो। ये रतनपुर साम्राज्य के राजा को रास नहीं आया, उसके पास जो भी था प्रजा को बांटता चला गया और हमने उसी प्रजा को लूट कर अपने साम्राज्य को हर तरीके से ऊंचाई पर पहुंचा। राजा भैरव सिंह की जय। राजा भैरव सिंह की जय। मनी किधर हो? ये क्या हो रहा है? आज राजा भैरव सिंह का जन्मदिन है, उनके शुभचिंतक खुशी मना रहे हैं। देखो कैसे फायरिंग कर रहे हैं, कोई हादसा हो गया तो? यहाँ कोई कुछ नहीं कहता। ये यहाँ आम बात है सर। देखो किस ऊंचाई पर है राजा साहब। सर बचाना चाहते हो तो नजरें ऊपर नहीं चरणों की तरफ रखो। तो जैसे लोग चरणों को देखते होंगे, मुझ जैसा इंसान उन चरणों को उखाड़ फेंकता है। साहब जी, सरदार गब्बर सिंह। बस कैसा चल रहा है? सब बिल्कुल ठीक ठाक साहब। राजा भैरव सिंह आया है, वो रहा। यहां लेके आओ उसे। जा कोने में चला जा। जी। तो तुम ही राजा भैरव सिंह हो?
बिल्कुल होर्डिंग जैसे दिखते हो। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, सॉल्व कर दूंगा, या तो उस प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले की हड्डी तोड़ दूंगा। सरदार जी। सरदार, किससे बात कर रहे हो पता है ना? भैरव सिंह, राजा भैरव सिंह। तुम किससे बात कर रहे हो पता है? गब्बर सिंह, सरदार गब्बर सिंह। मैं राजा हूँ और राजपूत घराने में पैदा हुआ हूँ। मैं पुलिस वाला हूँ और सजा देने के लिए पैदा हुआ हूँ। यहाँ मेरे साइन के बिना ना तो जिंदगी है ना ही मौत है। जिंदगी और मौत का सवाल है तो तेरे साइन की जरूरत नहीं। राजा भैरव सिंह के नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे आने के बाद नियम कानून बदलना चाहिए, टाइम बदलना चाहिए, टाइमिंग बदलनी चाहिए। नहीं बदला तो बता दूं क्या होगा? दुनिया बदल दूंगा। सरदार, इस भैरों की नाकाबंदी करोगे तुम? इन लोगों के लिए मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले गुलाम हैं ये गांव वाले। इनके नायक बन रहे हो क्या? तुझे अंदाजा भी है कहां खड़ा है इस भैरों के साम्राज्य में? यहां जमीन, हवा, पानी, आग, आकाश भी मेरा है। इस जमीन को हर कोई अपने बाप की जायदाद समझता है, लेकिन इसी जमीन में मिल जाना है ये उसे पता नहीं होता। तुझ जैसे अहंकार में डूबे शैतान को उसकी औकात दिखाने के लिए मुझ जैसा योद्धा पैदा होता है और होता रहेगा। दो लोगों को मार दिया तो लीडर बन गया क्या? फिर एक चुटकी बजाने पर पूरी सेना खड़ी हो जाएगी। तू अकेला क्या कर लेगा? अकेला है तू, अकेला, अकेला, अकेला है तू। हाँ, अकेला हूँ, अकेला ही काफी हूँ। लक्ष्य उसे ही हासिल होता है जो पहला एक कदम उठाता है। चाहे भीड़ जितनी भी हो, नाम किसी एक का ही होता है। जहां भी जाऊंगा अकेला जाऊंगा और अकेला ही रहूंगा। जनता का हूं, जनता के साथ ही रहूंगा। भैरव, यहां की सीमा लांघने से पहले तुझे अपनी ताकत का नजारा दिखाऊंगा, तू देखेगा। कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, मौत के आगे कौन खड़ा है? याद है ना? गब्बर सिंह, सरदार गब्बर सिंह।